सो हे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयनंदन केसरी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा भाई, ये भी पता है यार, पता है आप लोगों को। तो भाई लोग, आज हम लोग माइनक्राफ्ट की #3 एपिसोड खेलने वाले हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा भाई, ये भी पता है यार, बहुत बुरा लगा मेरे को। सब तो गाइस यार आपको पता ही होगा, ये भी पता होगा आज हम लोग क्या करने वाले हैं यार। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा यार, क्या बताएं हम लोग। चलो कोई बात नहीं गाइस यार, आज हम लोग करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। चलो सबसे पहले सिंगल प्लेयर में हम लोग लोड कर लेते हैं। चिमकांटी वर्ल्ड बनाया था हम लोगों ने फर्स्ट वाला, अगर एपिसोड नहीं देखा तो आप लोगों ने जाके देख लेना है, और सेकंड वाला को भी देखना है। सेकंड वाले में भी गाइस काफी ज्यादा चीजें हम लोगों ने घर बनाया था, और उसके अलावा कुछ अभी आगे नहीं बोलने का मेरे को। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं खेती वगैरह करेंगे, देखते हैं भाई क्या क्या जरूरत होती है खेती करने के लिए, और बहुत सारी चीजें इसमें होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड चिमकांटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ओ भाई साहब, ये ही इधर ही रुक जाता है। तो फाइनली गाइस अपना जो घर है बहुत ही आलीशान बंगला बना है अपने आप, भाई बहुत ही आलीशान बंगला बना है, जो कि आगे से कुछ इस तरह के दिखता है। इसके आगे सलमान खान शाहरुख खान के घर फेल है। आप जो भी कहो यार, फेल तो नहीं है, मतलब मैंने अपने हिसाब से बनाया काफी तगड़ा वाला फीलिंग के साथ। और भाई साहब देखो, अंदर का पूरा टॉर्च वॉर्च लगाया है, क्योंकि रात के अंधेरे में मेरे को डर लगती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो आज से हम लोग करने वाले खेती वगैरह करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के पास। पहले तो भाई खेती करने के लिए बकेट वगैरह बनाने पड़ेंगे, आप लोगों को पता ही होगा, पानी वानी लाने होंगे, खेती वेती करनी होगी। तो सबसे पहले उसके लिए आयरन कलेक्ट करना पड़ेगा। आयरन के लिए भाई गुफा में जाना पड़ेगा, गुफा में भाई जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल में मंगल करने के लिए, समझ रहे हो। तो सबसे पहले कुछ हथियार रख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये सब सारे चीजें हैं, तो दो चार चीजें और रख लेते हैं अपने पास भाई साहब, क्या है। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया कि भाई आपको रोज नहीं मिला, बहुत ही बुरा लगा। अब रोज की बात नहीं करने का भाई, देखो 1, 2, 3, 4, 5 से ऊपर देखो बारिश कर दिया मैंने अपने व्हाट्सअप इंस्टाग्राम स्टेटस पे लगाया कि भाई मेरे को रोज नहीं मिला है, आप लोग दो। तो भाई फूलों की भरमार हो गई यार, बहुत ज्यादा मिल गए। शाबाश बेटा, मैंने उठाया और सब भाई देखो इधर इतने सारे लगा दिए, नीचे भी लगा दिए, तो भाई समझ सकते हो बहुत ज्यादा लगा है मेरे को। ठीक है भाई, चलो आज हम लोग जाने वाले हैं माइनिंग करने। माइनिंग मतलब नहीं, देखो हम लोग खेती करेंगे इधर भाई, बहुत सारी चीजें करेंगे। इतना बड़ा अपना आलीशान है, आलीशान पूरा खेत अपन का है, अपन अंबानी से कम है के भाई। इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा लोकेशन अपन को मिल गया है, तो भाई कुछ तो कुछ करेंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग खेती करने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को बकेट बनाना पड़ेगा। तो बकेट के लिए भाई रॉ आयरन चाहिए, तो चलो रॉ आयरन के फिराक में हम लोग निकल चुके हैं। इधर ही एक गुफा है जहाँ पे मेरे को आई थिंक वहाँ पे रॉ आयरन मिल सकता है, तो वहाँ पे मैं फटाफट से पहुँचता हूँ। A few moments later. तो भाई लोग भटकते भटकते तो इधर आया, आई थिंक इधर कुछ तो कुछ मिल जाना चाहिए। अभी मैं नीचे उतर के देख लेता हूँ भाई, कितनी बार क्या हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। चलो कोल तो मिल गई है कुछ कुछ, तो पहले कोल भी इकट्ठी कर लेने हैं। तो भाई फटाफट से पहले कोल उठा लेता हूँ, और भाई पता नहीं इधर आयरन मिल जाएगा कि नहीं। भाई ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को, 3-4 मिल जाए तो काफ़ी है, एक बकेट बन जाएगा तो भाई उतना काफ़ी है। टॉर्च वर्च इधर मिल जाए भाई, इधर कहीं तो कहीं मिल जाए यार, इधर आयरन मिल जाए भाई। गुफा टाइप सा तो बना है यार, बट अबे भाई नीचे जा रहा है कुछ, नीचे कुछ जा रहा है। तो भाई मैं फटाफट से नीचे की ओर जा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, एक मिनट सोवल से इसको खोदता हूँ। भाई नीचे कुछ जा रहा है, नीचे जरूर कुछ मिलने वाला है मेरे को, क्या लगता है भाई ये क्या है, डर्ट नहीं है क्या, ये कुछ अलग ही क्या है, पता नहीं क्या है। अरे मैं सोवल से इसको करता हूँ ना भाई, बहुत ही मस्त से खोदेगा ये। नहीं, ये सोवल नहीं है, ये क्या चीज़, अलग चीज़ है, इसका नाम है अरे भाई ये तो ग्रेनाइट है यार, ये तो ग्रेनाइट है, इससे भी मतलब इसका क्या है? इसका तो मेरे को पता नहीं है, बट मेरे को टॉर्च पहले ओ भाई इधर भी कोल है। अब भाई इधर कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा भाई, आई थिंक इधर बहुत सारी चीज़ें मेरे को मिल जाने चाहिए। और खाने वाने के सामान भाई कुछ नहीं है क्या भाई, अरे मेरे पास 4 मिनट है, पहले खाना खा लेता हूँ। मेरी हेल्थ देखो, एक कुत्ते ने पीछे पड़ गया था भाई, मैंने उसको मारा और भाई साहब क्या बोलेगा, छोड़ो वो सब, पहले खा लेता हूँ और भाई टॉर्च वॉर्च बना लेता हूँ, फिर हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाके देखते हैं भाई, कुछ तो कुछ जरूर मिलेगा आप उनको नीचे, कुछ तो कुछ जरूर मिलेगा। क्राफ्टिंग टेबल भाई सब बेकार कर दिया मैंने, क्या बताऊँ अब, आप लोगों को बताने लायक भी नहीं है वो, मैं मर गया था यार और अपना लोकेशन भी भूल गया था, फिर क्या बोलूँ मैं। और मैं फटाफट से पहले ये टॉर्च वर्च बना लेता हूँ, मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं ना टॉर्च बनाने के लिए। चलो 8 टॉर्च काफ़ी है,
अंदर जाने के लिए क्राफ्टिंग टेबल भी उठा लेता हूँ, वरना भाई नीचे जाऊँगा तो पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं। और हाथ में भाई स्वॉर्ड रख लेता हूँ, तलवार, कि भाई जैसे ही ज़ॉम्बी है मैं पटकन दे दूँ उनको। ओके नीचे जा रहा हूँ मैं, आई थिंक इधर कुछ तो कुछ ज़रूर मिलेगा। इधर टॉर्च लगा देता हूँ एक। ओके अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, पता नहीं यार कि क्या होगा नीचे। भाई आई थिंक भाई मिल जाए यार, मेरे को चाहिए 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 ही चाहिए जो चीज़ मैं खोज रहा हूँ। भाई इधर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, मेरे को देख लेना भाई। इधर देखो ये कोल, कोल का भंडार है इधर। कोल पहले ले लेता हूँ, कोल बहुत ज़्यादा काम आएगा बाद में भी मेरे को, अभी भी तो आएगा। लेकिन अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, F3। अबे भाई देखो मैं 1061 पे आया हूँ, पता नहीं किधर आया हूँ। और मेरे को घर जाने में भी प्रॉब्लम होगी, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। लेकिन मैं लिख के भाई मैंने रख लिया है कि मेरा घर जो है ना किधर है। इधर से बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, पहले इकट्ठा कर लेता हूँ। जितना मिले भाई उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि देखो भाई माइनक्राफ्ट है, माइनक्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। मैं धीरे धीरे करके नीचे उतरने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरे को डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। ओहो भाई कि, अरे अरे अरे, नहीं 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 भाई मार दिया यार। अब मेरे को पता भी नहीं था कि मैं कहाँ पे गया, मतलब बहुत दूर जाके मरा यार, बहुत दूर चला गया था मैं घर से। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो 10 ऐसा कुछ था ना भाई, क्या बोलूँ यार। चलो मैं जाने मतलब खोजने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं दोबारा से चल गया तो भाई मजा आ जाएगा। A few moments later. भाई 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 मिल गया मिल गया, फाइनली मैं आ चुका हूँ उसी वाले जगह पे। ओके मैंने सोचा काफी दूर था मैं, और यहाँ पे कॉपर तो मिल रहा है, बट भाई मेरे को नीचे जाना है, मेरे को सामान चाहिए, जितने भी सामान थे मेरे। भाई इधर ही अपन मरा था, नीचे मरा था नीचे। ओके अरे अरे अरे, टॉर्च ले लेता हूँ ऊपर से। भाई मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, अपन इधर ही मरा था। ये ले लिया, चलो जी नीचे चलते। भाई नीचे स्केल्टन मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो हड्डी साला मेरे को बहुत मार मारा। लेकिन मैं फिर पे नीचे जाने की कोशिश करूँगा। मेरे सामान देखो, ये सारे सामान मेरे इकट्ठे हैं, अभी भी इधर ही है साला, अभी भी वो नूबड़ा इधर ही है, मैंने बोला ना इधर ही होगा कहीं। अबे इधर तो कुछ मिलेगा भाई, भाई भाई इधर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें मिलेगी भाई, कहीं से भी कहीं से मेरे को। ओ आयरन आयरन आयरन, ये देखो आयरन मिल गया, बट मेरे हाथ में तलवार आ जाए बस, बस बस तलवार आ जाए मेरे को। ओ भाई मारो मत यार, भाई मत मार यार, कहाँ पे मैं गिरा, अरे भाई फिर से मर गया तेरा भाई। बट कोई नहीं, अभी मेरे को पता चल गया कि इस वाले लोकेशन में मेरे को आयरन मिलेगा, तो मैं इस बार बाहर से फिर से आऊँगा। और मेरे सामारे सामान इधर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है घर से, और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी इधर। ओ भाई रास्ते में ये क्या मिल गए, बारात लेके जा रहे हो क्या, किधर जा रहे हो भाई। अब ये कौन है, अब ये क्या कर रहा, अरे 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 भाई थूक रहे हैं क्या भाई, ये तो साले थूक रहे हैं मेरे पे, गजब बेइज्जती है। अरे हट हट साले नूबड़े, पता नहीं यार कौन है ये, मेरे को कोई नहीं पता यार, विलेजर्स है क्या, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं तो उसी जगह पे जा रहा था, बीच में ये मिल गए। भाई भाई मैं नीचे आ गया हूँ, और जल्दी जल्दी टॉर्च लगा रहा हूँ कि स्पॉन बंदे इधर स्पॉन नहीं हो। मैं किधर से आया हूँ, मेरे को कोई, ये ऊपर से आया हूँ। और भाई जल्दी जल्दी मेरे को कॉपर ले लेना, पहले यहाँ से मैं इतने सारे टॉर्च लगा दूंगा कि बंदे साले स्पॉन ही नहीं होंगे नूबड़े। ओके मेरे टॉर्च खत्म हो गई, ये रु आजा मेरे पास तलवार है नूबड़ा, आजा आजा ना लड़ लड़ साले, मेरी हेल्थ तो कम है बट मेरे को पता है मैं मार सकता हूँ। आजाओ आजाओ आओ आओ नूबड़ो साले, ये ले खत्म, और आओगे पहले भाई आयरन इकट्ठा करो, आयरन चाहिए मेरे को, ये रहे आयरन भाई, रो आयरन मिल रहे हैं। ओ भाई बस एक और मिल जाए काम हो जाएगा, मिल गया भाई मेरा काम हो गया, रॉ आयरन का काम हो गया गाइस। यार फाइनली रॉ आयरन मिल चुका है, और मैंने इधर टॉर्च भी लगा दिया इतने सारे कि बंदे आएंगे नहीं, ठीक है। बट और मिल जाती तो दो चार बकेट बन जाते, ये रहा एक और शायद, एक नहीं नहीं ये दूसरी चीज़ है गाइस। यार फाइनली मेरे को, लेकिन मैं ऊपर जाने का रास्ता भी एक बना लेता हूँ, कि जैसे भी भाई मैं ऊपर जाऊँ ना तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आनी पड़े। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले सोवल से, नहीं नहीं भाई मेरा सोवल किधर है, इधर ही तो मरा था यार, पता नहीं। अरे यार गाइस मैं नीचे जाने की भी कोशिश करूंगा, बट इधर अभी अपन को रास्ते बनाने हैं ऊपर जाने के लिए, तो चलो फटाफट से। चलो भाई यार मिल गया आयरन यार, खुशी हो रही है ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है।
चलो फटाफट से चलते भाई, ज्यादा लालच भी नहीं करने का, और इसी वाले लोकेशन पे आप लोग देख लेना, बार बार मैं इधर ही आऊंगा क्योंकि इधर अपन को बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, डायमंड वगैरह सारा चीज मिल सकता है हो सके तो। अभी मैं फटाफट से पहले तो ऊपर जाता हूँ भाई, पहले घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद उसको फर्नेस में जलाएंगे, फिर से सीड वगैरह इकट्ठा करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है क्योंकि आज हम लोग खेती का प्लान बनाए। अरे अरे अरे, इधर से घर दिख रहा है क्या? इधर से काफी दूर है लेकिन घर दिखना चाहिए। इधर इस साइड में अपन लोगों का घर है, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। दिख जाए दिख जाए दिख जाए। अरे मैं घर भी, घर तो नहीं, नहीं ये रहा, देखो सामने घर दिख रहा है ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। और ये क्या उड़ रहा है? आजा 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 आजा। अरे ये मरती नहीं है क्या? मर गई, कुछ नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, रास्ते में ही सीड्स वगैरह ले लेते हैं क्योंकि भाई इन लोगों इन सारी चीज। अरे वो भाई, ये तो मेरे ऊपर हमला करने लगे भाई। नहीं नहीं, किधर किधर, अबे ये क्या हो रहा है? अरे नहीं नहीं, उन लोगों ने मेरे को डस दिया है शायद भाई, मेरे को उन लोगों ने डस दिया था यार। चलो कोई बात नहीं, रास्ते में हम लोग ये सीड्स वगैरह ले लेते हैं क्योंकि भाई खेती करने के लिए बहुत सारे काम आने वाले हैं। तो मैं फटाफट से कुछ ज़्यादा सीड्स इकट्ठे कर लेता हूँ। तो गाइज यार, काफ़ी रात तक मैंने सीड्स काटी और देखो मेरे पास कितने, ये 64 या 31, बहुत मिला जुला के भाई 90 से बस ज़्यादा है। तो इसके लिए मेरे को अब एक बस्त सा लोकेशन खोजना पड़ेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ इधर ही अपना छोटा सा खेत बना ले, मतलब ओ भाई छोटा सा पहले बना लेते हैं। सोवल मेरे पास नहीं है क्या? नहीं है, तो पहले सोवल बना लेता हूँ। और भाई साहब सोवल से फटाफट से पहले ग्रास जो भी है ये पहले क्लीन करता हूँ और उसके बाद भाई साहब हम लोग काम करेंगे। सोवल के साथ साथ एक और चीज़ चाहिए जो कि स्टोन का हुई चाहिए, हुई बोलते हैं ना इसको, हुई चाहिए। और एक सोवल ले लेता हूँ जिससे भाई पहले ये सब डर्ट वगैरह सब हटा लूँ। तो फटाफट से भाई पहले क्लीन करता हूँ डर्ट वगैरह। इधर ही अपन भाई मस्त सा खेत बनाएंगे, अपन का खेत होगा, पर्सनल खेतों का, जिसमें हम लोग धान गेहूँ उगाएंगे, धान गेहूँ हाँ यही सब होता है, उसके बाद ब्रेड वेरेड बन जाता है उससे। और देखते भाई क्या होता है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी बट वैसा ही कर रहा हूँ। तो इसको पूरा भर दो यार, खाली नहीं, नीचे खाली नहीं छोड़ने का आई थिंक। अभी मैं फटाफट से पहले ज़मीन को बराबर कर लेता हूँ, कितना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना क्योंकि भाई देखो जितना बड़ा होगा उतना पानी वानी लाना पड़ेगा। तो मेरे पास बकेट बहुत ही छोटा है, एक ही, मतलब छोटा क्या है, एक ही बकेट है, उसके लिए रॉ आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी रॉ आयरन फिर से उस वाले गुफा में जाऊँगा और भाई साहब उधर जाके रॉ आयरन खोजेंगे, बट अभी तीन ही है। ओ भाई उसको जाके मेरे को पकाना चाहिए, पहले भाई रॉ आयरन को मैं पकाऊंगा। चलो पहले जाके भाई रॉ आयरन से एक ईट जैसी पता नहीं क्या बनता है, भाई मैं नाम भूल जाता हूँ, पहले रॉ आयरन को इधर पका लेते हैं। तीन रॉ आयरन से वो मिलेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ उसका नाम क्या। ईट जैसी होती है वाइट कलर की, जैसे ब्रिक्स होते हैं ना, वो जैसे हम लोगों ने पोट बनाई थी फ्लावर रखने के लिए। अभी मैं आपको क्या बोलूँ, मैं बन के रेडी हो गया। ये इनगोट बोलते हैं, आयरन इनगोट, पता नहीं है ऐसा क्यों है। तो एक आयरन से एक ही बनता है ठीक है। तो इसको हम लोग अभी तक इसको बनाता है, तब तक मैं इधर पूरा का पूरा ये लोकेशन सेट कर लेता हूँ कि कितने में आप उनको जो भी है खेती करनी है। तो फटाफट से मैं काटते जाता हूँ। तो गाइज यार, मैंने दो ऐसे होल किए हैं, होल बोल सकते हो या कुछ भी, देखो इसमें पानी डालेंगे हम लोग और इसके साइड में एक रास्ता चलने के लिए होगा ठीक है, दोनों साइड में, और एक रास्ते पे हम लोग बीज लगाएंगे। तो हम लोगों का शायद पोट तैयार हो गया होगा, मतलब कि बाल्टी जो इंगोट जो होगा शायद पूरा का पूरा रेडी हो गया होगा। किस में डाला था मैंने, इसमें, ओके तीन बन चुका है। तो तीन से हम लोग शायद बना सकते हैं अपना बाल्टी वगैरह जो भी है। अभी देखते हैं भाई इनेबल हो गया क्या, नहीं आ रहा क्या, किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा भाई ये रहा। तो फाइनली गाइज अपन को बाल्टी मिल गई है, तो फाइनली अपन लोगों को भाई पानी भरने पड़ेंगे। तो फटाफट से गाइज मैं जाता हूँ और इन दोनों में पानी भरने है। अभी पानी के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, अरे भाई भूख लगी है मेरे को, पहले खाना खाता हूँ यार, देखो हेल्थ भी नहीं है मेरे को, पहले इसको खाना देना पड़ेगा। खाना में क्या है, इधर मैंने खाना रखा है बहुत सारे, ये लो, मैंने खच 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 पहले खा लेता हूँ, खच 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 खच, भाई खाता है ना, मेरे को मजा आता है देखने में। चलो भाई अभी तेज दौड़ेगा अपन, बहुत तेज भाई। चलो पीछे ही पानी है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फटाफट से मैं पानी भरता हूँ और दोनों बकेट एक ही बकेट है यार, यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलो ये पानी भरा, ओके पानी भर चुका है, अभी जाके उस पर ज़्यादा, अरे इधर रास्ता बहुत ही अच्छा सीढ़ी नुमा बना दूंगा कि जब भी मैं पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये लो भैया पानी भर गया, इसमें दो बार लगाना, शायद दो बार जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत लंबा किया है ना। तो मैं फटाफट से एक बार और पानी लाता हूँ और फिर से करते हैं हम लोग।
ये पानी लिया, और ये ज़्यादा दूर नहीं है भाई, आराम से रख सकते हैं। इसमें शायद दो बार मेरे को पानी डालना पड़ेगा। हाँ अब भर गया पूरी तरह से, मतलब दो दो बार इसमें भी जाके हम लोग फटाफट से भर लेते हैं। गैस यार दोनों में तो पानी वानी भर दिया मैंने, दो दो बाल्टी लाके, और भाई साहब बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो आई थिंक मैं सोने की कोशिश करता हूँ, अगर सो जाऊँगा तो सुबह होगी और बारिश रुक जाएगी। तो अभी भाई ये ड्यूरिंग थंडर स्टोर के कारण सो नहीं पा रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी से ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। रात के अंधेरे, अभी रात तो नहीं हुआ है, देखो मेरे पास 64 बीज है, तो एक काम करता हूँ इधर से बीज लगाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, इधर से ये देखो छीलते जाना है, मतलब कि ग्रास जो है हटाते जाना है, तो साथ साथ में मैं लगाते भी चलता हूँ, ठीक है। साथ साथ में इसको एक साथ रखते हैं कि भाई फटाफट से लगाते हैं, कुछ इस तरह से गाइस लगाना जाता है। चलो इससे मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, समझ जाओ बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। फटाफट से मैं इसको लगा देता हूँ, और एक जो ये साइड है इस पे मैं चलने के लिए लगा छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई देखो बाद में भाई कटाई भी करनी पड़ती है, समझ सकते हो ना, घर की खेती है, समझ सकते हो, कटाई भी करनी पड़ती है। तो फटाफट से इसको हम लोग जितने भी वीट लगाएंगे उतने ज़्यादा हम लोगों को जो भी मिलेगा वो, और उसके साथ हम लोग ब्रेड वगैरह मिलते जाएंगे, पता नहीं क्या होता है। आई थिंक मैंने एक वीडियो देखी थी वैसा ही कर रहा हूँ, और फटाफट से मैं जो देखा था वही कर रहा हूँ। तो फटाफट से इसको छीलते जाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ये क्या बोलते हैं बहुत सारे सीड है, तो सीड का यूज़ तो करना पड़ेगा ना भाई, सीड। और भाई जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने हम लोगों को ब्रेड मिलेगा, ब्रेड तो नहीं मिलेगा, वीट मिलेगा, उससे गेहूं वगैरह से जो भी है धान गेहूं मिलेगा अपन को। और भाई साहब मैं फटाफट से इधर लगाते जा रहा हूँ, फाइनली गाइस इतना लगा दिया है, और मैं एक काम करता हूँ इस साइड में भी जितना हो सके तीन साइड कर लेते हैं ना, तीन साइड फटाफट से तीन साइड। ओ ओ भाई मैं आपको दिखाऊँगा भी भाई ये होता कैसे यार, मतलब ये पक जाने के बाद कैसा होता है, मेरे को भी देखना है भाई। मैंने तो देखा था वो ब्रेड बन गया था ऐसा करके, और अपन लगा के देखते भाई क्या होता है। तो गाइस फटाफट से यार, मतलब यार चलो मैं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटाफट से ओके इतना लगा दिया है। और भाई साहब कुछ देर हम लोग वेट करेंगे, अभी जाके मैं सो सकता हूँ क्या भाई, सुबह का माहौल होता है तो अच्छा लगता है यार, अभी भी वो यार अभी भी नहीं सो सकते अभी लोग। तो भाई इतना तो लगा दिया, अभी अपन उन लोगों की पूरी ये स्टार्ट हो गई है खेती, तो अभी देखते हैं कितने दिन लगते हैं, टाइम लगता है कि एक बाल्टी और पानी डाल दूं क्या इसमें, इसे खाली लग रहा है, नहीं ज़्यादा डाल दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं एक काम करता हूँ, खेत है ना अपना, तो इसको ढकने भी की कोशिश करना है, चारों तरफ से घेरना भी है, तो इधर से अपन लोग घेरने की कोशिश करेंगे इस वाले साइड से। तो यार मैंने जो ये फेंस है ना, ब्रिज फेंस जो भी होते हैं, इसको मैं घेरने के लिए बहुत सारे बना चुका हूँ, 64 से एवव है। तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट से अपने खेत को घेर लेता हूँ, क्योंकि भाई देखने में भी काफ़ी बेहतरीन लगेंगे, दिखने में भी लगने चाहिए, ठीक है। तो इधर से मैं फटाफट से घेरते जा रहा हूँ। तो फाइनली गाइज ये जो है ऐसे मैंने लगा दिया है, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया था, अभी भी 26 और 3 29 बचे हुए हैं। और जो है अपना काम ये मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गया, इसका क्या बोलते हैं अभी जब पकने स्टार्ट हो गए, कुछ देर और मैं वेट करता हूँ, शायद भाई अपन का जो मेहनत का फल है वो मिलना स्टार्ट हो। एक काम करता हूँ इधर भी और भी भाई साहब, तब तक मैं इधर जो भी है इधर भी लगाने की कोशिश करता हूँ। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इतने सारे सीड्स तो लगा लिए, और देखो हमारा जो फसल है वो भी तैयार होकर रेडी है, और इसको अभी हम लोग काटने का मतलब काट सकते हैं ना, अभी देख लेते हैं। और इसमें पूरा बकेट, इधर एक स्लॉट और खाली है, इधर पूरा सीड लगाएंगे। और भाई मेरे से क्या गलती हो रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना, पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे करना, तो मैंने इस वाले वीडियो में कवर किया बहुत सारी चीज़ें की। तो इस वाले में मैं अभी इस वाले जो भी है इस वाले रो में लगाऊंगा, और इसमें तो भाई ये काट सकते हैं क्या, चलो मिला कुछ, अरे हाँ हाँ मिला ना, मिला भाई। चलो गाइस यार फाइनली अभी अपन लोगों को ये वीट मिला है, वीट दो मिल गया, तीन नहीं, अरे एक ही मिल रहा है क्यों, लगता है अभी और वेट करना पड़ेगा गाइस यार, अभी वही सिर्फ हुआ था। तो एक काम करता हूँ फिर से वो लगा लेता हूँ भाई, अभी मेरे को और कुछ देर और वेट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला है, आई थिंक एक से काम नहीं होने वाला, तो फिर से मेरे को इधर लगाना पड़ेगा। फटाफट से मैं लगा लेता हूँ, पांच और है, पांच इस वाले रो में लगा लेता हूँ। गाइज यार पता नहीं कौन कौन हो रहे, कैसे पता चलेगा यार, यही तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ये काट लूँ क्या, ये मेरे ख्याल से आई थिंक ये हो गया है, हाँ ये हो गया। ओके जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना
तो हो समझ में आया। अरे भाई उसको काटने पे सीड्स भी मिल रहे हैं, मतलब कि और भी सीड्स मिल जा रहे हैं। तो इसको, अरे यार यहाँ पे घास कैसे उगा, इसको तो भाई मिट्टी हटाना पड़ेगा। तो फाइनली यार दो हुए हैं, दो से कुछ होता है क्या, आई थिंक तीन चाहिए होंगे। तो इस वाले रो में देख लेते हैं, इस वाले रो में भी हाँ एक और मिला। चलो नहीं 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 मिला क्या, अरे यार नहीं मिल पाया, सॉरी भाई। तो फाइनली गाइस काफ़ी देर वेट करने के बाद आई थिंक अभी जाके इतने बड़े बड़े हुए हैं, अब जाके मेरे को कुछ तो कुछ ज़रूर मिलना चाहिए। अभी इसमें नहीं मिला, ज़रूर कुछ एक मिलना चाहिए। ये देखो सबसे ज़्यादा ये पक चुका है, इसको तोड़ते हैं। तो फाइनली एक मिल गया और न्यू रेसिपी वही क्या ओपन। चलो भाई तीन तो मिल गए, और इस साइड में एक और मिलेगा शायद, नहीं मिल पाया। तीन मिल गए अभी, ट्राई नहीं, एक और मिलेगा। चलो चार मिल गए और ये भी मिलना चाहिए, नहीं मिला। चलो 11 सीड्स फिर से मिल गए, पता नहीं यार वो काट रहा हूँ तो सीड्स भी मिल रहा है और ये हम लोगों का वीट भी मिल जा रहा है। तो फ़ायदा, ये बहुत सारा फ़ायदा है यार, बहुत सारा। अभी देखो इनसे भाई, देखो ये खेती करने से बजरंग दल वाले गुस्सा नहीं होंगे हम लोगों पे, क्योंकि भाई हम लोग को जानवरों को अब नहीं मारना पड़ेगा और भाई साहब हमारा काम होते जाएगा। तो फर्नेस में पकाते हैं क्या इसको, क्या नहीं नहीं फर्नेस में इसको नहीं पकाते, आई थिंक इसमें कुछ तो कुछ बनेगा ना। ओके ये देखो ब्रेड की जो रेसिपी है फाइनली ये अभी जो है आ चुकी है। देखो तीन वीट से एक ब्रेड बनता है, ठीक है। ये फाइनली हम लोगों ने ब्रेड बना लिया, और ब्रेड को हम लोग क्या इसमें पका सकते हैं, कर सकते हैं कुछ, रोटी बना सकते हैं क्या, नहीं। फाइनली अभी हम लोग ब्रेड को क्या कर सकते हैं, ये कॉमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना आप लोग, या डायरेक्ट इसको खाना है या क्या करना है। चलो फाइनली अभी देखो बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों ने कर लिया, इतना 1, 2, 3, 4, 5 स्लोट खाली कर दिए भाई, पांच रो में बहुत ज़्यादा आपकी बार हो गए। और भी बहुत सारे कौन कौन से सीड मेरे को तो जो मिला वही किया मैंने, और भी होते होंगे जैसे कि बहुत सारे पम्पकिन वगैरह से भी शायद बनते हैं या क्या होते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करूँगा। और नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करना चाहिए आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बता देना मेरे को। और चलो अभी मेरे को भाई साहब बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा हम लोगों ने खेती किया। एंड आपको कैसा वे वीडियो लगा ये कॉमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।